ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम बाबा को प्रत्यक्ष करने की ओर बढ़ें, क्योंकि बाबा ने एक बहुत ही गहरी सी बात कही है। गीता में भी ये बात आती है कि हे अर्जुन, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन योगी तू आत्मा जैसे मेरे स्वरूप हैं। जैसा मैं हूँ वैसी ही योगी आत्माएं हैं। तो जब हम योग युक्त हो जाएंगे, परमात्मा प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। इसीलिए अब हम योगी जीवन वाले बने, और जो भी योग के मार्ग में बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करते हुए निरंतर कंबाइंड स्थिति की ओर चले। ठीक है, चले अब इन अभ्यासों को हम करेंगे। चौथी प्रैक्टिस तो आप अपने घर में करेंगे, क्योंकि यहाँ सोने की तो जगह नहीं है। चलते हैं हम सुंदर प्रैक्टिस की ओर। योग जो हमें परम आनंद देता है, हमें बिल्कुल सुरक्षित अनुभव कराता है, अनुभव कराता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, हमेशा सर्वशक्तिवान मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, उनकी छत्र छाया में जैसे मैं हमेशा आनंदित हूँ। बैठेंगे अपने पहले आसन पर, भ्रिकुटी सिंहासन पर आ जाएं स्वयं में। देखें चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर भ्रिकुटी तख्त पर मैं चमकती हुई आत्मा मणि। मुझसे दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं इस देह का मालिक हूं। आत्मा बिल्कुल अलग अनुभव करें, शरीर रूपी वस्त्र अलग और मैं आत्मा ज्योति अलग। चलें अब इस देह से निकलकर अपने दूसरे सिंहासन, दूसरी बैठक परम धाम की ओर। इस साकार सृष्टि से परे, सूक्ष्म वतन से भी पार, परम धाम घर। जहाँ चारों ओर स्वर्णिम लाल प्रकाश है, ऊपर देखें महाज्योति बाबा विराजमान है। मैं उनके सम्मुख उनकी छत्र छाया में जाकर बैठ जाता हूँ। परम धाम में बाबा के पास
बाबा अपनी शक्तियों भरपूर कर रहे हैं। मेरी दूसरी बैठक परम धाम स्पष्ट अनुभव करें, आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में, अपने अनादि स्वरूप में बाबा के सम्मुख है। परम धाम से नीचे आएंगे वापस इस साकार सृष्टि और साकार देह में, फिर से बैठ जाएं भृकुटी तख्त पर। और देखें मुझ आत्मा का प्रकाश जैसे पूरे शरीर में फैलकर पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, जैसे पूरा ही शरीर लाइट का होता जा रहा है, प्रकाश में। मैं फरिश्ता बनता जा रहा हूं। धीरे धीरे अपने स्थान पर खड़े होंगे। खड़े होकर चलते हुए हमें अभ्यास करना है फरिश्ते स्वरूप का। देखें अपने आप को, मैं लाइट के शरीर में लाइट हूँ, फरिश्ता हूँ, और मैं फरिश्ता जैसे चारों दिशाओं में अपनी लाइट माइट फैला रहा हूँ। अपने स्थान पर खड़े खड़े ही चारों दिशाओं में मूव करेंगे, चारों दिशाओं में घूमेंगे। अपने स्थान पर खड़े खड़े ही जैसे मुझसे चारों दिशाओं में लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं, अपना प्रकाश चारों दिशाओं में फैलाएंगे। मैं फरिश्ता जब भी चलूं फरिश्ता बनकर अपनी लाइट माइट चारों दिशाओं में फैलाएंगे। अब पेयर बन जाएंगे, एक एक जोड़ी बना लीजिए, भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ। खड़े होकर हमें प्रैक्टिस करनी है आत्मिक दृष्टि की। जोड़ी बना लें भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ। खड़े होकर अभ्यास करना है आत्मिक दृष्टि। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को देख रहा हूं।
चमकती हुई मणि को। चले शरीर के अंदर, बाबा ने ज्ञान दे दिया, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा बनकर सामने वाले को आत्मा रूप में देखें, जैसे भ्रिकुटी तख्त पर चमकती हुई ज्योति। अब तक तो देह को ही देखते आए, लेकिन अब हमारी नजर केवल भ्रिकुटी तख्त पर ही जाए। मैं भी चमकती हुई मणि और मेरे सामने भी चमकती हुई आत्मा ज्योति मणि। फिर से फरिश्ते बनकर चारों दिशाओं में परिक्रमा लगाएं, चलते हुए मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता, जैसे पवित्रता की किरणें चारों दिशाओं में फैला रहा, चारों दिशाओं में घूमेंगी, मैं परम पवित्र फरिश्ता, जैसे चारों दिशाओं में प्योर वाइब्रेशंस फैला रहा हूं। चलते हुए मुझे ये प्रैक्टिस बहुत गहराई से पक्की कर लेनी है। फिर से पेयर बनाएंगे, अब अपना पेयर चेंज करेंगे, एक एक जोड़ी बनाएं, चेंज करेंगे अभी पेयर, और अपना दाहिना हाथ एक दूसरे के हाथ में ले लेंगे, भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ। अपना दाहिना हाथ एक दूसरे के हाथ में लेंगे, बहुत प्यार से आत्मिक दृष्टि की लेन देन करते हुए एक दूसरे को बहुत शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देंगे। मेरा आत्मा भाई बहुत आगे बढ़े, मेरा आत्मा भाई बहुत उन्नति करे, मेरा आत्मा भाई बाबा का राइट हैंड बन जाए, मेरे आत्मा भाई का जीवन सुख शांति से संपन्न हो जाए। दिल से एक दूसरे को दुआएं देंगे आत्मा देखते हुए।
ऐसी ही दिल की दुआएं मुझे सबको देते चलना है। अब एक दूसरे के नज़दीक जाएं और एक दूसरे के कान में वाणी से एक दूसरे को अपनी शुभकामनाएं देंगे। नज़दीक जाइए, वाणी से एक दूसरे को अपनी शुभकामनाएं देंगे और प्यार से रूहानी मिलन मनाएंगे। प्यार से गले मिलेंगे, एक दूसरे को दिल की शुभकामनाएं और दुआएं देते हुए प्यार से गले मिलकर फिर अपने स्थान पर बैठेंगे और चलें अब बाबा की याद में। संपन्न करेंगे, बैठेंगे बाबा की गोद में और बाबा की गोद में बैठकर जैसे बाबा की दृष्टि बाबा की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, गीत बजाएंगे और हम सब बाबा की गोद में बैठकर बाबा से दृष्टि शक्ति लेते हुए भरपूर होंगे। दिल से बाबा का शुक्रिया भी अदा करेंगे।